बॉलीवुड के अलाउद्दीन खिलजी यानी रणवीर सिंह जल्द ही नए अवतार में नजर आने वाले हैं। अपनी आने वाली फिल्म 83 में वो मशहूर क्रिकेटर कपिल देव का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए वो काफी मेहनत कर रहे हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर रणवीर सिंह ने डायरेक्टर कबीर खान की फिल्म की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और इसी सिलसिले में इन तीनों की तिकड़ी ने साथ मिलकर लॉर्ड्स के मैदान पर लाइव मैच भी देखा। कबीर खान 1983 वर्ल्ड कप की कहानी को पर्दे पर उतारने जा रहे हैं, जिसमें पहली बार भारत ने दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव की कैप्टनसी में क्रिकेट का वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इसके लिए डायरेक्टर कबीर खान ने अपनी स्पोर्ट्स बायोपिक के हीरो रणवीर सिंह और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ लंदन के उसी लॉर्ड्स के मैदान में लाइव मैच का मजा लिया, जहां ये ऐतिहासिक घटना घटी थी। तीनों ने भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट मैच का लुत्फ उठाया और साथ ही अपनी फिल्म के लिए बारीकियों पर चर्चा भी की। इन फोटोज को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि कैसे सचिन तेंदुलकर के लिए ये जीत क्रिकेट में देश का नाम ऊंचा करने की वजह बनी। उन्होंने लिखा कि सचिन 9 साल के थे जब उन्होंने इस मैच को टीवी पर देखा था कि किस तरह कपिल देव के दूतों ने इस मैदान पर 1983 में वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया था। इस जीत ने उनमें देश के लिए खेलने का जज्बा पैदा किया था। 35 साल बाद हम इसी लॉर्ड्स के मैदान में अपनी फिल्म की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग अगले साल की शुरुआत में शुरू हो जाएगी। फिल्म को अप्रैल 2020 तक रिलीज किए जाने की तैयारियां हैं। फिलहाल रणवीर इन दिनों रोहित शेट्टी की फिल्म सिम्बा की शूटिंग में बिजी हैं। ये फिल्म इसी साल 28 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। इसके बाद ही रणवीर अपनी इस स्पोर्ट्स बायोपिक की शूटिंग शुरू करेंगे। इस ऐतिहासिक घटना पर बनने वाली इस मेगा फिल्म के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।